व्यूअर्स, क्या हाल है। आज मैं आपको 5 साल की बच्ची की फ्रॉक बनानी बताती हूँ। 10 इंच हम पेटी की लंबाई लेंगे। ये हमने लंबाई ले ली। ऊपर से तीरा हम लेंगे 5 इंच 2 सम। 5 इंच 2 सम हम जब लेंगे तो 5 इंच 6 सम हम नीचे से ले लेंगे। छः इंच 2 सम हम फिटिंग करेंगे इसकी चेस्ट की। 5 इंच 2 पे हम निशान लगा रहे हैं। अब इसको हम गोल करेंगे। नीचे से हम इसको 6 इंच 2 सम यहाँ से भी करेंगे। हाफ इंच यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली। इसके अब नीचे वाले हिस्से पे भी हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये हमारी पेटी तैयार है। ये मैंने घेर निकाला है, इसका डबल घेर है। ये लंबाई इसकी मैंने 21 इंच रखी है। इसको मैं इस तरह फोल्ड करके पेटी के ऊपर हम चुन्नट बनाएंगे। ये अभी मैं आपको सिलाई करना बताती हूँ। ये मैं इसके बाजू निकालूँगी। हमने 2 सम लिया। यहाँ से हम इसको 5 इंच 2 सम कर लेंगे। ये हमने 2 बाजू इसके निकाल लिए इसके। अब हम बाजू के लिए फ्रिल निकालेंगे। ये मैंने इसके बाजुओं के लिए फ्रिल काट ली। इस तरह से हम इसको डबल करके इसकी फ्रिल बना के लगाएंगे। ये मैंने 5 बाय 3 साढ़े 3 का गला काटा है इसका फ्रंट से। अब बैक के लिए हम काटेंगे।
ऊपर से हम इसको 1.5 इंच करेंगे। चार इंच हम इसकी पट्टी बनाएंगे, क्योंकि हमने पेटी की एक्स्ट्रा नहीं किया, पीछे रखा कपड़ा। ये अब हम बैक साइड का गला बना रही हूँ मैं इसका। अब साइड से हम इसे फोल्ड करूँगी। ये मैंने इसकी दरमियान में लगाने के लिए पट्टी मैंने निकाल ली। ये मैं इसके गले की साइड की सिलाई लगा रही हूँ। दोनों गलों की हम इसी तरह ही सिलाई लगाएंगे। पहले ये हमने दोनों गलों की सिलाई लगा ली। दरमियान से कट लगाती हूँ अब मैं इसका। एक पेटी ले ली मैंने, इसको अब गला इसके साथ स्टिच करूंगी। ये मैंने इसकी एक साइड पे सिलाई लगा ली है, इसको मैं अब एक साइड से काटूंगी। दरमियान से इसको मैंने काट लिया। अब इसकी दूसरी साइड से मैं सिलाई लगाती हूँ। इसके दरमियान में अब मैं इसको पट्टी जो मैंने बनाई है वो मैं रखूँगी। बस ये अभी मैं गले पे सिलाई लगा रही हूँ। बैक साइड पे रख के इसको इसके कंधे जोड़ूंगी मैं।
लिया मैं इसको, यहाँ तक मैंने टांका लगाया। अब इसको मैं पट्टी साइड पे करके इस तरह इसका टांका लगाऊंगी। अब मैं घेर को चुन्नट डालने के लिए टांका लगाती हूँ। इसको मैं इस तरह फोल्ड करके इस तरह से टांका लगाऊंगी। मैंने अभी टांका सारा मुकम्मल कर लिया है। जी व्यूअर्स, ये मैंने टांका कंप्लीट कर लिया है। इस तरह इसकी मैंने चुन्नट लगाई है। ये बाजुओं के लिए मैंने फ्रिल बनाई है। और ये घेर के लिए, इसको अब मैं इसको इस तरह से पेटी के ऊपर लगाऊंगी। तरह से जो पहले हमने फ्रिल के लिए टांका लगाया था उसके ऊपर सिलाई करनी है। साथ साथ नीचे से भी ठीक करते जाएं। ये मैंने घेर का टांका मुकम्मल कर लिया। इसी तरह मैं बाजुओं के साथ भी फ्रिल लगाऊंगी। ये मैंने बाजुओं के साथ फिर मुकम्मल कर ली। अब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। ये मैं इसके सिलाई के ऊपर, ये आप देख रहे हैं नीचे टांका जो मैंने लगाया है जोड़ के लिए, इसके ऊपर अब मैं इसकी लेस लगाऊंगी। ये इस तरह इसकी जब डोरी लग जाएगी तो ये टांका भी नज़र नहीं आएगा और ये प्यारी लगेगी।
ये अब हमारा बाजू के साथ भी लेस लग गई है। अब हम इसको नीचे से टांका लगाएंगे। बाजू के नीचे से मैंने तुरपाई कर ली है इसकी। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। जी व्यूअर्स, ये भी मैं फ्रॉक के बाजू लगाऊंगी। बाजू का ये हाफ पे मैंने निशान लगाया है। इसको हल्का सा फ्रंट से लेंगे इस तरह से। जी व्यूअर्स, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लाइक के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये मैं बाजू लगा रही हूँ फ्रॉक के, इसको साथ साथ दोनों साइडों से मिला के रखें। बाजू कंप्लीट हो गए। अब हम घेर की सिलाई लगाएंगे इसकी। फ्रॉक मुकम्मल हो गई है हमारी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी आज की वीडियो? आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे लगे बेल लाइक के बटन को क्लिक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।